गुड इवनिंग, मैं हूँ डॉक्टर मोहित सरावगी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ आयरिस IVF सेंटर सरावगी हॉस्पिटल। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपसे IVF इंजेक्शंस और IVF प्रोसीजर के बारे में। नाउ इंजेक्शंस IVF में बहुत ही अहम रखते हैं क्योंकि ये लगभग 10 दिन तक लगातार पेशेंट को लेना पड़ता है। नाउ IVF का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? IVF का कॉन्सेप्ट है कि हम पेशेंट को लगातार इंजेक्शन देके एक साथ उनके ढेर सारे अंडे तैयार करना चाहते हैं। फिर सोनोग्राफी पे ये अंडे का हम ग्रोथ देखते हैं और एक बार ये अंडे रेडी हुए तो पेशेंट को एनेस्थीजिया देके सर्जिकली ये एग्स बाहर निकालते हैं। फिर ये एग्स के जरिए हम एम्ब्रियो क्रिएट करते हैं हस्बैंड का स्पर्म सैंपल लेके। एक बार ये बेबी लैब में बना तो ये बेबी वापस यूट्रस के अंदर डालते हैं संबंध के जगह से, एंड अगर बेबी चिपक गया तो अपनी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल मानी जाती है। बट ये ढेर सारे अंडे क्रिएट करने के लिए पेशेंट को लगभग 10 दिन तक लगातार इंजेक्शन लेने पड़ते हैं जो कि हार्मोन के इंजेक्शंस होते हैं। ये इंजेक्शंस वही हार्मोन के हैं जो हमारी बॉडी खुद बनाती है, बट इसके डोजेज ज़्यादा रहते हैं और ये आर्टिफिशियली पेशेंट को या तो कमर पे इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है या थाई या पेट पे सबक्यूटेनियसली दिया जाता है। इंजेक्शंस डेली प्रोसेस है, इसमें ब्रेक नहीं ले सकते। तो एक बार पेशेंट के लिए इंजेक्शन स्टार्ट हुए तो 10 या 11 दिन पेशेंट को लगातार इंजेक्शन वन वे और द अदर लेना ही पड़ेगा, भले सोनोग्राफी डेली नहीं हो। तो ये जो इंजेक्शंस होते हैं ये हमेशा डॉक्टर के पास लेना पड़े ऐसा नेसेसरी नहीं है। अक्सर हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, अगर हम एक इंजेक्शन उनको सेंटर पे देते हैं तो दो इंजेक्शन उनको पार्सल भी देते हैं जो कि वो नॉर्मली या तो घर पे खुद लगाते हैं या फैमिली डॉक्टर के पास जाके लगा सकते हैं, ताकि डेली पेशेंट को कन्वीनियंस ना करना पड़े और इनकन्वीनियंस ना हो। हमें सिर्फ इतना प्रिकॉशन रखना है कि ये इंजेक्शन जब हम लेके जाते हैं तो एक स्पेशल आइस बॉक्स में लेके जाना रहता है और घर ले जाने के बाद ये इंजेक्शंस को तकरीबन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करना पड़ता है, यानी अपने घर के फ्रिज में जहाँ पे हम सब्जियाँ रखते हैं वहाँ पे ये इंजेक्शंस रखे जा सकते हैं और ये इंजेक्शंस इफेक्टिव रहेंगे। नाउ इनमें इंजेक्शंस का दो काम है। पहले तो कुछ इंजेक्शंस ये होते हैं जो ओवरी या अंडेशाही पे एक्ट करके एक साथ ढेर सारे अंडे बढ़ाते हैं। फिर छठे दिन से पेशेंट को एक और इंजेक्शन दिया जाता है। ये इंजेक्शन होता है प्री टर्म रप्चर ऑफ एग्स प्रिवेंट करने के लिए या प्री मच्योर रप्चर ऑफ एग्स प्रिवेंट करने के लिए। नाउ अगर अंडे अपने आप ही फूट गए पेट में तो हम सर्जिकली कुछ निकाल नहीं पाएंगे। इसके लिए एक स्पेसिफिक इंजेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं सेट्रोरेलिक्स या एंटागोनिस्ट, जो कि थाई पे लगता है और ये लगभग छठे दिन से चालू होने के बाद अंडे निकालने तक डेली लिया जाता है। तो अगर आप समझ रहे हैं तो पहले पेशेंट को 5 दिन तक सिर्फ एक इंजेक्शन लगेगा और छठे दिन से लेकर 10वें या 11वें दिन तक 2 इंजेक्शन डेली दिए जाते हैं। कुछ इंजेक्शन सेंटर पे लगते हैं और जैसे मैंने बोला कुछ इंजेक्शन पेशेंट को घर पे लगते हैं। नाउ ये जो इंजेक्शन होते हैं ये इंजेक्शन एब्सोल्युटली सेफ है, इसके ओके कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। एलर्जी या रैश के चांसेस रेयर है। कभी कभी अगर रेडनेस या सोनेस आया तो पेशेंट वहाँ पे आइस पैक लगा सकता है, बट अगर इंजेक्शन सही तरीके से एडमिनिस्टर किए गए हैं तो इनके ना तो कोई शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ना लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस। जब पेशेंट इंजेक्शन ले रहा होता है तो इनके एक्टिविटीज़ में कोई हिंड्रेंस नहीं है, यानी हम हमारे सारे डे टू डे एक्टिविटीज़ वैसे ही कर सकते हैं एज यूजुअल, चाहे वो ऑफिस जाना हो, स्कूल जाना हो अपने को, और यानी जो भी काम करना हो, घर के काम करना हो कर सकते हैं। सिर्फ डेडिकेटेडली दिन में आधा घंटा निकालना है ताकि टाइम पे इंजेक्शन लिया जा सकता है, एंड जहाँ तक हो सकता है इंजेक्शन का टाइमिंग लगभग डेली सेम होना चाहिए। 1 घंटा आगे पीछे वेरिएशन चलेगा, बट ज़्यादा वेरिएशन रिकमेंडेड नहीं है। फिर जैसे आपके IVF स्पेशलिस्ट आपको टाइम टू टाइम बुलाते हैं, वो आपको सोनोग्राफी करके बताएंगे कि एग्स का ग्रोथ करेक्ट है कि नहीं। सपोजिंग हमें लगता है कि एग्स या फॉलिकल्स स्लोली ग्रो यानी डेवलप हो रहे हैं तो हो सकता है हम इंजेक्शन के डोजेज बढ़ाएं, और यही चीज़ अगर वो ज़्यादा फास्ट प्रोग्रेस कर रहे हैं तो हो सकता है कि हम इंजेक्शन के डोजेज कम करें। अल्टीमेटली 10 से 11 दिन बाद ये सारे अंडे जो होते हैं ये मच्योर होते हैं। मच्योरिटी का मतलब होता है ये सोनोग्राफी में लगभग 18 मिलीमीटर साइज तक पहुँच जाते हैं। इसके बाद आपका एग रिट्राइवल का प्रोसीजर या ओवम पिकअप है वो प्लान किया जाता है, जो कि बहुत ही सिंपल है और लगभग 15-20 मिनट के अंदर अंदर ही ख़त्म हो जाता है। ये प्रोसीजर में आपको माइल्ड सिडेशन या माइल्ड एनेस्थीसिया देके
इंटरनल सोनोग्राफी के दौरान हम नीडल डाल के आपके सारे एग्स निकाल देते हैं एंड इसके 2 घंटे बाद आप बाकायदा घर जा सकते हैं। इसके बाद हमें और इंजेक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट इसके बाद अलग सेट ऑफ मेडिसिन चालू होते हैं जो कि नॉर्मली टैबलेट्स और जेल्स होते हैं जो कि हार्मोन के मेडिसिन होते हैं जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सकते हैं। सो ऑल इन ऑल IVF में इंजेक्शंस बहुत ही ज़रूरी है, बट ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है, ये काफ़ी फेली स्ट्रेट फॉरवर्ड फेली सिंपल है। ये आप सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकते हैं, डेली हमें सिर्फ आधा घंटा इसके लिए डेडिकेट करना है। इसमें कोई स्पेसिफिक डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी एक्टिविटी में रिस्ट्रिक्शन नहीं है एंड हम हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ एज यूजुअल प्रोग्रेस कर सकते हैं। विद दैट आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो। अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं IVF इंजेक्शन के बारे में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।